आइए आज 2018 का सेट नंबर दूसरा, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th में है। अब देखिए इसमें आया है, अगर किसी नागरिक में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो और वह जीतोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। रामनाथ कोविंद का जीवन इसका उदाहरण है। तो देखिए राजनीति से भी कभी कभी आ जाता है, क्लियर। तो राजनाथ कोविंद का नाम मोदी जी का नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, योगी का दे सकता है। तो इस तरह से आपको इस तरह के पैसेज हल किए रहोगे तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर किसी नागरिक में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो, चलो इसको लिखो, जज्बक मतलब इंथुजियाज, उत्साह, ठीक ना, जी लिया, हाँ इंथुजियाज लिखो। इफ एनी सिटीजन हैज, अगर किसी नागरिक में मतलब यदि कोई नागरिक रखता है, क्लियर। इफ एनी सिटीजन हैज प्रेजेंट में लिखना है, इंथुजियाज्म, जज्बक मतलब इंथुजियाज्म, ENTHUSIASM, या इसको भूल जाना तो ZEAL लिख देना, जील माने भी उत्साह होता है या जज्बा, क्लियर, लेकिन जेड रहेगा, जी नहीं रहेगा, क्लियर, ZEAL या इंथुजियाज्म। उसके बाद लिखो टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, टू डू माने करने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क माने असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, क्लियर। इफ एनी सिटीजन हैज इंथुजियाज्म टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, क्लियर, और वह जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, एंड ही इज रेडी टू डू हार्ड वर्क, एंड ही इज रेडी टू डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, क्लियर, जी तोड़ मेहनत का मतलब कठिन परिश्रम, तो वह शिखर पर पहुंच सकता है, क्लियर, तो वह शिखर पर पहुंच सकता है मतलब कामा करके तो के लिए कामा लगा दो, He can reach the top, शिखर मतलब टॉप कह दो या अपेक्स कह सकते हो, क्लाइमैक्स कह सकते हो, He can reach the TOP top या क्लाइमैक्स, क्लियर। रामनाथ कोविंद जी का जीवन इसका उदाहरण है, लिखो रामनाथ KOVIND कोविंद रहेगा, बिल्कुल आर आर बड़े से रहेगा, कोविंद में के बड़े से रहेगा, रामनाथ कोविंद इज इट्स एग्जाम्पल, जब लिखा हुआ जाता मतलब हिंदी में जाता है पढ़ा बा जाता है तो उसको भीस लिखते हैं, कोविंद इज इट्स एग्जाम्पल, इज इट्स एग्जाम्पल इसका उदाहरण है। आज उन्हें देखकर समाज का वंचित तबका खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्लियर, तो इसको लिखो टुडे, आज की अंग्रेजी टुडे, उन्हें देखकर लिखो सींग हिम, टुडे सींग हिम के आगे पीछे कामा लगा दो क्योंकि बीच में आप फ्रेज डाल रहे हो, या हिम के बाद ही कामा लगा दो कोई दिक्कत नहीं, सींग हिम के बाद कामा, हाँ, समाज का वंचित तबका लिखो, द डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सोसाइटी, वंचित मतलब डिप्राइव्ड, deprived क्लास, तबका का मतलब वही वर्ग, क्लियर, दुखी वर्ग जो होते हैं, deprived क्लास ऑफ सोसाइटी, अच्छा, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, would have felt महसूस कर रहा होगा, वुड हैव फेल्ट ग्लोरियस, गौरवान्वित की अंग्रेजी क्या होगी, ग्लोरियस, वुड हैव फेल्ट ग्लोरियस, शानदार या गौरवान्वित दोनों होता है, ग्लोरी माने गौरव, ग्लोरियस माने गौरवान्वित, क्लियर। उसके बाद आप फुल स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद लिखेंगे न जाने कितने मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे होंगे, न जाने कितने लोग का मतलब असंख्य लोग, क्लियर, उसको कहते हैं एक शब्द में इन न्यूमरस, INUMEROUS,
इन न्यूमरस माने हो गया ना जाने कितने लोग, नहीं तो आप इसका अगर भूल जाना शब्द तो आप इसको आश्चर्य कह सकते आई वंडर हाउ मेनी पीपल, ये अभी चल जाएगा, मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग, तो आई वंडर माने भी होता ना जाने, क्लियर। आई वंडर हाउ मेनी पीपल भी लिख सकते हो अगर आप एक वर्ड में ना लिखना चाहो, क्लियर, लोग के हिसाब से लिखना चाहो। तो इन न्यूमरस यहाँ सेंस है न जाने कितने लोग, यानी कि असंख्य लोग, या आई वंडर हाउ मेनी पीपल, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। मन ही मन कोविड से प्रेरित हो रहे होंगे, might have inspired, INSPIRED, might have inspired, INSPIRED, inspired by him, clear। मतलब एक बार कोविड लिख चुके हो तो by him कर दो, by कोविड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। In themselves, स्वयं को ना गौरवान्वित महसूस करे, तो इसलिए इन themselves, मन ही मन हो रहा है मतलब क्या, अपने आप में खुद में गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्लियर। इन themselves कर दो, हो गया मन ही मन, या तो बाय हार्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए आगे, अच्छा उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा, देयर सेल्फ प्राउड, स्वाभिमान का मतलब सेल्फ प्राउड, स्वाभिमान, क्लियर, सेल्फ प्राउड, TH EIR, देयर सेल्फ प्राउड, वुड हैव इंक्रीज्ड माने बढ़ा होगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो आगे की बात बता जाता है, बढ़ा होगा, सुना होगा, इस तरफ से आते नहीं तो यू वुड हैव इंक्रीज्ड, INCREASED, लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी बात है, देखो दिस इज ए या इट इज ए भी कह सकते हो, इट इज ए ग्रेट थिंग, वैसे बात पर जोर देने के लिए इट ही ज़्यादा बेटर माना जाता है, इसलिए इट ही ज़्यादा बेटर हो गया, इट इज ए ग्रेट थिंग फॉर डेमोक्रेसी, लिख लिए, हाँ डेमोक्रेसी माने होता प्रजातंत्र या लोकतंत्र, दोनों होता, बात एक ही हुआ। महामहिम ने इस बात पर जोर दिया, महामहिम को महामहिम ही लिखोगे, यम बड़े कर दो, नाम दे दिया गया है महामहिम, क्लियर, ग्रेट लॉर्ड भी कह सकते हो लेकिन महामहिम ही लिखो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। MAHAMAHIM, महामहिम, इंसिस्टेड, उनको नाम दे दिया गया महामहिम का, ग्रेट लॉर्ड भी कर सकते हो लेकिन महामहिम ही लिखना बेटर होगा, क्लियर, ग्रेट, हाँ सॉरी, महामहिम इंसिस्टेड, INSISTED, इंसिस्टेड माने होते बात पर जोर देना या बात पर जोर देकर कहना, क्लियर, इंसिस्टेड दैट माने हो गया इस बात पर जोर दे दिया कि, क्लियर, या जोर देकर कहा, इंसिस्टेड दैट, हाँ हाशिए के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, हाशिए को लाना हम सबका फर्ज है, क्लियर, हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाना हम सबका क्या है, फर्ज है, तो इसको लिखो इट इज आवर ड्यूटी, पहले लिखोगे हम सबका फर्ज है, फर्ज है मतलब वही कर्तव्य है, तब इसमें हाशिए वाला लिखो, इट इज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग, लाना कहेंगे जी टू ब्रिंग, क्लियर, द हाशिए के लोगों को मतलब वही आया, हाशिए के लोगों को मतलब वही डिप्राइव्ड क्लास जो पीछे बताया गया था, डिप्राइव्ड पर्सन लिख लो भाई, DEPRIVED, डिप्राइव्ड पर्सन्स, क्लियर, हाशिए के लोगों को मतलब वो जो वंचित लोग हैं, परेशान लोग हैं, क्लियर, डिप्राइव्ड जिनको जिनके साथ कुछ अच्छा ना हुआ हो, सामाजिक या राजनीतिक रूप से अन्याय हुआ हो, डिप्राइव्ड पर्सन्स हाशिए के लोगों को, इन द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में क्या अंग्रेजी, इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशन, मेन स्ट्रीम STREAM ऑफ नेशन मध्य राष्ट्र की मुख्य धारा, इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशन, हो गया, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे,
उन्होंने कहा कि ही सेड दैट हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा। तो लिखो वी शुड कॉन्स्टेंटली लिख लो या कंटिन्यूअसली लिख लो, वी शुड कॉन्टिन्यूअसली रिमेंबर, कॉन्टिन्यूअसली कह दो या कॉन्स्टेंटली कह दो, रिमेंबर दैट मतलब हो गया इस बात को ध्यान रखना होगा कि दैट आवर इफोर्ट, हमारे प्रयास के अंग्रेजी दैट आवर इफोर्ट्स, EFFORT, क्लियर इफोर्ट्स, हाँ हमारे प्रयास से समाज का आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की बेटी के लिए भी नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खुलें, क्लियर। तो लिखो आवर इफोर्ट्स शुड ओपन द गेट, वर्ब लिखोगे शुड ओपन द गेट, को गेट खोलना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए, शुड ओपन द गेट ऑफ न्यू पॉसिबिलिटी, नए संभावनाओं के लिए, ऑफ ओपन द गेट ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज POSSIBILITIES टू द पर्सन, सीधी सी बात ये संभावना का गेट खुलेगा तो चांस का अपने आप खुल जाएगा, इसलिए चांस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज टू द पर्सन स्टैंडिंग, खड़े हुए स्टैंडिंग ऑन द लास्ट रो ऑफ सोसाइटी, समाज की आखिरी पंक्ति में स्टैंडिंग ऑन द लास्ट ROW रोमानी पंक्ति होता है ऑफ सोसाइटी, क्लियर ऑफ सोसाइटी समाज हो गया, एंड यहाँ गरीब परिवार की बेटी के लिए इसकी भी अंग्रेजी में, एंड द गर्ल ऑफ ए पुअर फैमिली, एंड द गर्ल कह दो या डॉटर कह दो कोई दिक्कत नहीं, एंड द डॉटर ऑफ ए या गर्ल ऑफ ए पुअर फैमिली, गर्ल डॉटर दोनों कह सकते कुछ नहीं, क्लियर गरीब परिवार की लड़की या बेटी, क्लियर एंड द गर्ल ऑफ ए या डॉटर ऑफ ए पुअर फैमिली, उसके बाद आपको फुल स्टॉप करना है। फिर चलिए लास्ट इसमें और भी सेंटेंस है, हमारे प्रयत्न आखिरी गाँव के आखिरी घर तक पहुँचे, देखो आवर इफोर्ट्स हमारे प्रयत्न, पहुँचे का मतलब उन्हें पहुँचना चाहिए, शुड रीच माने पहुँचने चाहिए, आवर इफोर्ट्स शुड रीच द लास्ट हाउस आखिरी ऑफ द लास्ट विलेज, द लास्ट हाउस ऑफ द लास्ट विलेज, क्लियर। इसमें न्याय प्रणाली के स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। चलिए लिखिए आगे इन इट, इसमें अंग्रेजी लिखो इन इट कामा, हाँ इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर लिखो एट ऑल स्टेजेस माने हर स्तर पर, एट ऑल स्टेजेस या लेवल्स भी कह सकते हो, हाँ दोनों कह सकते हैं, एट ऑल स्टेजेस या STAGES ऑफ जुडिशियरी, न्याय प्रणाली के लिखो JUDI एट ऑल स्टेजेस कह दो या लेवल्स ही कह दो ऑफ जुडिशियरी, JUDICIARY जुडिशियरी माने न्याय प्रणाली, जुडिशियरी JUDICIARY कामा कर दो, हाँ सर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को शामिल किया जाना चाहिए, लिखो कामा करके लिखो देयर शुड बी एन अरेंजमेंट, व्यवस्था करेंगे लिखो देयर शुड बी एन अरेंजमेंट, क्लियर व्यवस्था होनी चाहिए टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय दिलाने वाले अरेंजमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस FAST फास्ट, समझिए कि नहीं टू प्रोवाइड जस्टिस फास्ट FAST एंड ऑन लो कास्ट कम दाम खर्च पर, ऑन लो कास्ट में COST रहेगा, लो कास्ट COST ऑन, ठीक है ऑल स्टेजेस ऑफ जुडिशियरी,
क्लियर लिख लिए, न्याय दिलाने वाली हुई, बस फुल स्टॉप कर दो, कंप्लीट हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, शेयर जरूर कर दें ताकि सभी ज़रूरतमंद जो है पढ़ सकें विद्यार्थी और उसका बेनिफिट ले सकें। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों की भी मदद करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।